मोहम्मद अजर नसीम अहमद मेवात राजस्थान बार्डर तो अपने 16 किसान वीरां दा जथा लैके पहुंचे आ इस संघर्ष च आने लई। उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी, आया करदे आ ते हुण अपने विचार इस मंच तो सांझे करनगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पंजाब के भाइयों का, इन बुजुर्गों का, और जो सामने बैठी हैं हमारी माएँ और बहनें, इनका भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इनकी एकता ने और इन माँ और बहनों ने आज भारत को भारत बना दिया है। मैं मेवात के खित्ते से जो हरियाणा और राजस्थान में बसता है वहाँ से आपके दरमियान पहुँचा हूँ। आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे मेवात में जो हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर है सुनेड़ा और जिरेड़ा के नाम से, वहाँ हम लोगों ने मेवाती किसान मोर्चे के नाम से पिछले 52 दिन से धरना चल रहा है। जब हमने देखा कि हमारे बड़े भाई, हमारे सिख भाई, हमारे पंजाब के भाई, इन्होंने इस बेड़े को उठाया है जो सरकार कृषि कानून हमारे बीच में लेकर आई है, इनके खिलाफ ये खड़े हो गए हैं, तो मेवात में बसने वाली अक्सरियत कौम 70% किसान है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और समझा कि हम भी अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। जो पंजाब से हमारे भाई इस बात को लेकर खड़े हुए कि ये जो जमीन जिसको ये मोदी सरकार, ये बीजेपी सरकार हड़प लेना चाहती है, हम इनके खिलाफ, इनके विरोध में यहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ भी जो सभाएं चलती हैं उसका एक टाइम मुकर्रर है, सुबह 10 बजे तक वो सभा शुरू हो जाती है, शाम 4 बजे तक वो सभा चलती है। उस सभा में भी हमारे मेवात में जो आपके और हमारे भाई हैं सिख भाई, वो उसमें हिस्सा लेते हैं, वो लोग भी वहां पहुंचते हैं और वहां की माए बहने सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंचती हैं और वो किसान होने की हैसियत से वहां पहुंचती हैं। वो इस सरकार को दिखा देना चाहती हैं कि हम किसानों की हैसियत से यहां पहुंचे हैं, हम अपना हक लेने के लिए यहां सड़कों पे उतर आए हैं। मोदी जी को समझना होगा, सुनना होगा और इन किसानों के बीच में हमारे जो भाई यहाँ पिछले 99 दिन से यहाँ बैठे हैं, कल इनको 100 दिन पूरे हो जाएंगे, ये एक ही बात लेकर यहाँ आए हैं, एक ही बात यहाँ इस माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से मनवाना चाहते हैं कि MSP पे गारंटी लिख दो और इन कृषि कानून को वापिस कर दो। जब तक ये कृषि कानून वापिस नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। दुश्मन ने मिटाना तो चाहा बहुत, दुश्मन ने मिटाना तो चाहा बहुत, फिर भी रोशन है भारत में नाम किसान का। तुम क्या कहते हो इन किसानों को बदनाम करने के लिए? इनको तुमने गद्दार कहा, इनको तुमने खालिस्तानी कहा, इनको तुमने पाकिस्तानी कहा, तो सुन लीजिए मोदी जी, अगर हम अपने हक के खातिर लड़ रहे हैं तो हम है खालिस्तानी, हम है पाकिस्तानी, हम अपने हक की वजह से यहां पहुंचे हैं और अपना हक वापस लेकर जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा पंजाब ये बड़ा भाई है, सुन लीजिए, जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो तुमने सोचा कि भारत की जनता, भारत का मजदूर, भारत का किसान ये कोरोना की महामारी में फंसा हुआ है, ऐसे मौके को तुमने गनीमत समझा और तुम ऐसे मौके पर कानून लेकर आए
यहाँ पहुंचे कि तुम कृषि कानून, ऐसे कानून जो तुम इन गरीबों की, इन मजदूरों की जमीनों को हड़प लेना चाहता है, ऐसा कानून लेकर आए हो। अरे हम तुमसे कहते हैं मोदी जी, कानून ऐसा लाइए जिसकी वजह से ये भारत मुल्क तरक्की करे, जिसकी वजह से ये भारत का किसान तरक्की करे। तुम कहते हो किसान परेशान है, इन्होंने कानून समझे नहीं है। अरे मैं कहता हूं किसानों ने कानूनों को समझ लिया, इसलिए तुम परेशान हो। बेवकूफ बना के रखा था तुमने पिछले 6-7 सालों से इन भारत के मजदूरों को, इन भारत के किसानों को, इन पंजाब के भाइयों को। सब समझ चुके हैं हमारी एकता है। आपने कहा था झारखंड की रैली में कि तुम एनआरसी के मौके पे जाके देख लेना, जो धरनाओं पर लोग बैठे हैं वो लिबास से पहचाने जाएंगे। अरे मैं कहता हूं मोदी जी, इस सिंगापुर के सिंगू बॉर्डर के स्टेज के माध्यम से यहां आकर देखिए, अब यहां तुमको हमारे सिख भाई की भी पगड़ी मिलेगी, मुसलमान की भी मिलेगी, यहां जाट की भी मिलेगी, दलित की भी मिलेगी। पूरा भारत एक हाथ के जैसे है, सारी उंगलियां अलग अलग थी पिछले 6-7 सालों में, तुमने अलग कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये मुट्ठी बन चुका है ये भारत, इसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। यहाँ तुम लाख कोशिश करो, ये इसी तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा। तुमने भारत को पिछले 70 साल पीछे धकेल दिया भारत को, लेकिन भारत का मजदूर और भारत का किसान जाग उठा है, ये भारत को फिर से संवारेगा। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप लोगों को समझना होगा इस एकता को, जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोदी सरकार का। उन्होंने समझा कि हमने जैसी नफरत की हवाएं, नफरत की फिजाएं इस भारत में चलाई थी पिछले 6-7 सालों में, हम इनको, इन भारत की जनता को जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का नारा लगाते हैं, इनको अलग कर देंगे, नहीं कर सकते। अरे हम बेवकूफ नहीं है, हम खामोश थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मनचाहे कानून लेकर आ जाओगे हमारे दरमियान। ऐसे कानूनों की, ऐसे कृषि कानून की भी जरूरत नहीं है, और हमें ऐसी सरकार की भी जरूरत नहीं है। इसलिए हम इस एकता को, अपनी भाईचारा को बढ़ा के चलें, इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और बढ़ता हुआ चला जाएगा। सरकारें तो आती जाती हैं, वो अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए आगे बढ़ती रहती हैं। हिंदू मुस्लिम फूट डालो राज करो, कभी विकास का नारा लगा देते हैं, लेकिन आज पूरे भारत का विनाश हुआ पड़ा है। हम कहना चाहते हैं इस स्टेज के माध्यम से, जब तक तुम इन कृषि कानूनों को वापिस नहीं लोगे, तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहता हूँ। अगर कुछ गलत निकला हो तो माफी चाहता हूं, पहली दफा इतने बड़े स्टेज के माध्यम से मैंने आपसे बात की है। जय जवान, जय जवान, भारतीय किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अडानी अंबानी हो बर्बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद साडे वीर दा जिन्होंने राजस्थान तो आके संघर्ष च हिस्सा पाया, ते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेवा सिंह पेंशन यूनियन लुधियाना, सरदार मेवा सिंह पेंशन यूनियन लुधियाना दा बहुत बहुत धन्यवाद। संयुक्त मोर्चा वालों किया जाता है जिन्होंने शहीद किसान परिवारों की 31,000 रुपए दे नाल मदद की, निहंग सिंघां दी जथेबंदी नूं 2 घोड़े दिते ने। सत श्री अकाल। जिन्हां दा पिंड कोट गंगू राय जिला लुधियाणा है, मेवा सिंह जी पेंशन यूनियन लुधियाणा दे बहुत बहुत धन्नवाद किसान संयुक्त मोर्चे वालों। एक आधार कार्ड पवनप्रीत सिंह, किसी का पवनप्रीत सिंह नाम दे नौजवान है, उहदा आधार कार्ड डिग्गिया होया, वह अपना आधार कार्ड स्टेज के पिछे संचालन कमेटी तो प्राप्त कर सकता जी, पवनप्रीत सिंह का आधार कार्ड है। हुण मैं बेनती करा
सरदार मेवा सिंह जी पेंशन यूनियन लुधियाना तो वो दो मिनट वास्ते अपने विचार सांझे करनगे जी। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। संयुक्त मोर्चे की सारी ही लीडरशिप का जड़ी के किसान मोर्चे नू पिछले 99 दिन तो बहुत ही सुजजी अगवाई दे नाल चला रही है। देखो सारे बुलारिया ने आपो अपनिया तकरीर दे विच इन्हां तिन्नां कानूनां बारे तुहानू दस ही दिता वा। जिहड़ी भाई साहब ने पहला गल कही आ, मेरा पिंड कोट गंगरू है, गंगूराए आ, जिला लुधियाणे दे विच साढ़े समुचे पिंड अते एन आर आई वीर वालों जिन्ने भी मेरे वीर किसानी संघर्ष दे विच शहीद होए सीगे, वारी वारी दे हिसाब नाल हरेक नूं 31-31 हज़ार रुपया दिता गया वा। जिथे तक घोड़ियां दा संबंध सी, निहंग सिंह जथेबंदियां नूं 26 मार्च वाले दिन ने अपने 26 जनवरी वाले दिन अथरू गैस दे नाल जिहड़े घोड़े शहीद होए सीगे उन्हां वास्ते पिंड सारे पिंड अते एन आर आई वीरां वल्लों उन्हां नूं दो घोड़े भेट किए गए ने। बाकी जिहड़ी गल इस वेले मोर्चा वा, जिहड़ा मोर्चा इस वेले पूरे सिखरां ते आ, इत्थे डेमोक्रेसी नां दी कोई चीज़ है नहीं। मैनूं बाड़ दे विच हर एक जगह ते जाण दा मौका मिलिया, आ गल उत्थे किते वी कुछ है नहीं गा जो कुछ साडे नाल अज कल हो रहा। किसानां नूं इस वेले सी जिहड़ा इन्हां ने इन्नी बुरी तरह रोलता, जिन्हां ने कि देश का अन्नदाता सी, जिथे तक बिजली बिल 2000 की गल आ, वो कहने सरकारां चाहे चाहे बादल की होवे चाहे कैप्टन की होवे, इन्हां ने कल की किया, नवां चंद चाढ़िया, मानसा जिले के जाके आ चिप वाले मीटर लाने शुरू करते। तुसीं दसो अगे जिहड़े सानूं 2-2 महीने के बिल आउंदे ने कि ये लोग अगे 2 महीने बाद बिल भरे जा रहे ने, जां किसानां नूं सबसिडी सी मोटरां दे उत्ते, इन्हें आपका नवा ही चक्कर चलाता, लेकिन कल उत्थे मूंह दी खाणी पई। एक साडे संघर्ष की बहुत बड़ी जित आ। मैं अखीर दे विच आपदे जथेबंदे वनियों ते अपने पिंड वाले वासियों वल्लों यही तुहानूं सब नूं संयुक्त किसान मोर्चे नूं विश्वास दिवाउणा भी जिन्ना भी साडा पिंड ते एन आर आई वीर बाद चढ़ के जिहड़ी सहायता वा उह पंजाब दे शहीदां दी करनगे। ते अखीर दे विच आ दो लाइनां ने, उस तों बाद मैं खत्म कर देना आपदा भाषण। वो तैनू तो खबर नहीं मोदी आ, मापे किवें रहे बच्चियां नूं पाल होए, बड़े राजियां ने राज कीता सी, कदे होया भी नहीं सी इदां दा हाल होए, मजदूर भुखे मरे सी, किसे अन्नदाते सूली ते ना टंगे सी, जे तू अच्छे दिन आखदा है इन्हां नूं तां साडे माड़े दिन इहदा नालों चंगे सी। एक लॉकडाउन काम होया बंद सी, उत्तों 2-2 साल बच्चियां दा मारता, सारी दुनिया ने आस ते तो लाई सी, ओ तू तां थालियां बजा के कला सारता, रोटी माड़ियां दिनां विच चंगी खांदे सी, पर इहो जिहे दिन कदे लंघे सी, जे तू अच्छे दिन आखदा इन्हां नूं साडे माड़े दिन इहदे नालों चंगे सी। धन्नवाद। एक दो नारे लवाऊंगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 21 दुखी चक रहे, धक्के शाही नहीं चलेगी, जय संघर्ष जित मंती लोगों ने। सत श्री अकाल।